दिवाली के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलने लगा और दम घोटती दिल्ली की हवा ने क्या हाल किया है लोगों का देखिए। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता दिन पर दिन खराब होती जा रही है। प्रदूषण मापने वाली एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की एक सबसे बड़ी वजह पंजाब और आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली है। इन एजेंसियों का ये दावा अब नासा की तरफ से लिए गए ताज़ा फोटो से साबित भी होता है। नासा ने दिल्ली से लगे कुछ राज्यों की सैटेलाइट फोटो जारी की। इन फोटो में रेड स्पॉट खेतों में पड़े पराली में लगाई गई आग को दर्शाती है। नासा का कहना है कि बीते कुछ दिनों में पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में प्रदूषण का स्तर पहले से और खराब हो रहा है। इन सब के बीच दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात भी कही है। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाके भी गैस चैम्बर बने हुए हैं और अगले दो दिन तक राहत के आसार भी नहीं है। दिल्ली में बुधवार सुबह के वक्त वातावरण में जहरीली धुंध की चादर छाई रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के आसपास की स्थिति और भी बुरी है। दिल्ली से सटे नोएडा में पीएम 2.5 451 और पीएम 10 यानी 445 रहा। वहीं गाजियाबाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 632 तक पहुँच गया जो कि गंभीर स्थिति है। इसके बाद स्थिति आपातकाल गंभीर में पहुंच जाती है। इस लिहाज से दिल्ली से भी ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद वायु प्रदूषण से प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर बैन के आदेश, दिल्ली सरकार की अपील और जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली के लोगों ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पटाखों के बड़े पैमाने पर फोड़ने से 2.5 माइक्रोन से कम के अल्ट्रा फाइन पार्टिकल दिल्ली की हवा में भर दिए। इससे सांस लेना खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किल हो रहा है। लगातार दम घोटू प्रदूषण को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चिंता जाहिर की है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए पंजाब और हरियाणा की सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि वो दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को काबू में रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू करने का ऐलान पहले से ही कर रखा है। बिगड़ते हालातों के चलते सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टास्क फोर्स की आपात मीटिंग बुलानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।